नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझी में। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के साथ वैसे तो कई राइटरों का नाम जुड़ता है और उन राइटरों में एक राइटर का नाम बड़ा शुमार से ले जाता है जिनका नाम है अजीत मंडल। जी हाँ, बात करें तो अजीत मंडल खेसारी लाल यादव के साथ जो है पिछले साल काफी जबरदस्त तरीके से काम किए थे, यानी कि पिछले साल जो है 2021 में जबरदस्त तरीके का जो है खेसारी लाल यादव और अजीत मंडल की जोड़ी को दर्शकों ने दिल खोलकर प्यार दिया और तमाम ऐसे गाने अजीत मंडल ने रिक्रिएट किए जो खेसारी लाल यादव का ट्रेंडिंग में गया। हालांकि यूं कह ले कि दोनों लोगों की मदद से वो गाना जो है वो ट्रेंडिंग में पहुंचा था, जिसमें कि पानी पानी की बात कर ले, दो घुट की बात कर ले, पग घुंघरू बांध की बात कर ले और भी तमाम जो गाने थे वो कहीं ना कहीं अजीत मंडल ने लिखा था और खेसारी लाल यादव ने गाया था और इन दोनों की जोड़ी को दर्शक जो है दिल खोलकर प्यार देने लगे थे। लेकिन अब पता नहीं क्या कारण है कि अब जो है अजीत मंडल का गाना जो है लिखा हुआ खेसारी लाल यादव नहीं गा रहे हैं, या फिर यूं कह ले कि खेसारी लाल यादव का अजीत मंडल का लिखा हुआ गाना नहीं गा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अजीत मंडल जो हैं वो अपने कलम का जादू जो है वो चलाते नजर आ रहे हैं और वो अपने कलम का जादू कुछ इस कदर चला रहे हैं कि उनकी बात यहां पर करना जो है वो जरूरी हो जाता है। जी हां, बात करें तो आपको पता होगा कि सारेगा वहां भोजपुरी पर एक राकेश मिश्रा का गाना रिलीज हुआ है जिस गाने का नाम है राजा जी मुआइये देवा का। इस गाना 6 दिन पहले रिलीज हुआ था और इस गाने पर 16 लाख से ज्यादा व्यूज मिले हैं और ये जो गाना लिखा हुआ है राजा जी मुआइये देवा का, ये गाना अजीत मंडल जी ने लिखा है और अजीत मंडल का लिखा हुआ ये गाना पूरे देश में 30 नंबर पर म्यूजिक सेक्शन में ट्रेंड कर रहा है, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है और कहीं ना कहीं इसमें एक राइटर का भी बड़ा योगदान जाता है। इसके अलावा एक और गाना रिलीज होता है अजीत मंडल के कलम का जादू चला है और वो गाना जो है समर सिंह का है, कोमल कमर मुचकौला पिया और ये गाना भी जो है अजीत मंडल जी ने लिखा है और ये गाना भी 28 नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक राइटर को आप क्यों छोड़ रहे हैं भाई, आप छोड़ क्यों रहे हैं या फिर यूं कह ले कि आप क्यों नहीं उनके साथ काम कर रहे हैं जो कि इतने कलाकारों को ट्रेंडिंग वाले गाने लिख रहे हैं, आपको लिखे, इसके अलावा अक्षरा सिंह को लिखे, इसके अलावा समर सिंह का नाम आ गया, अब जो है राकेश मिश्रा का नाम आ गया और मुझे लगता है कि रेयरली ऐसे कोई राइटर होंगे जो इन ऐसे ऐसे कलाकारों को गाना लिखा हो और उनके उनके जो गाने हैं वो ट्रेंड में जाए। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से एक बड़ा काम करना चाहिए और धमाका करना चाहिए क्योंकि आपके साथ ऑलरेडी काम कर चुके हैं और वो काम जो है वो दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आया है। बाकी इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया देनी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा।